आज हम सनरे नहीं देंगे। एक कहाँ कटा ये बताइए पहले आप हमें। ये देखिए सबकी दौड़ लगी हुई है क्योंकि ना यहाँ पे बाघ का डर है। इतनी चढ़ाई चढ़ ली यहाँ और यहाँ पर मालिश करनी पड़ी है डॉली को। दौड़ दौड़ के और चढ़ ली थी दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। अभी हम लोग सुन रहे हैं सुंदर से भजन। दर्शन हमको सुना रहे हैं प्यारे प्यारे भजन हारमोनियम में। उन्होंने क्लैपिंग करो सब, जल्दी करो। आज हमारा धोबी घाट खुला था। कपड़े फोल्ड कर रही है निक्की। अभी तो इससे ज्यादा कपड़े छत में लगे हैं, छत पे लगे हुए हैं और थोड़े यहाँ टांगे हुए हैं। अभी उठाते हैं सब एक एक करके। ऑफिस से आ गई अधिकारी साहिबा। आज हम सनरे नहीं लेके जाओ, डॉली लेके जाओ। नींबू आज पे हमारे फार्मर्स ने दिया। वाओ, नींबू और गडरी दी है। आज चलेगी नींबू पार्टी। डॉली इधर को दिखा, चल इसमें देखो। लेके जाओ और क्या है। चल नींबू बन गया है। और सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है यहाँ पर। वीआईपी आज के हमारे वो है, ये वीआईपी गेस्ट। और बाकी हम सब नीचे बैठे हैं चटाई लगा के नींबू के इंतजार में। खास कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय, हो जाएगा आधी कुर्सी को आएगी। और अब बताएंगे हमारे मास्टर शेफ कैसे हो रहा है, किस चीज की कम डाल दो। अब वीआईपी जी बताएंगे। पास हो गया यहाँ से। कुछ डालना तो 10 में से कितने दोगे? 10 में से कितने दोगे? 10 में से 9 तो दे ही देंगे। अरे एक कहाँ कटा ये बताइए पहले आप हमें। क्या कम क्या ज्यादा? नमक ज्यादा हुआ, मीठा कम हुआ। तो एक क्यों काटा आपने? पूरे देने में क्या दिक्कत है? और छीटे मीटे गिरा दिया, थोड़ा सफाई भी। सफाई नहीं, बहुत अच्छे हाथ है मेरे, देखिए इतने अच्छे हाथ है मेरे। तो नीचे वाला ऊपर थोड़ा करा मैंने। इससे खाने में क्या डिफरेंस है ये बताइए? एक नंबर वहाँ क्यों कटा? बताओ मनीषा कैसा हो रहा है? 10 में से किस किसने क्या क्या डाला है, मतलब क्या क्या हेल्प करी इसने? नमक चौरा मैंने बंदर को नमक किसने पीसा है? नमक किसने पीसा है? नमक मनीषा ने पीसा है। और बंदर को हमने बुलाया है। सबसे अच्छा काम तो इन्होंने किया है। अगर बंदर नहीं भगाते तो तुम्हारा खा ये नहीं बन पाता। चार बजे हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर किसी मंदिर में। मंदिर का क्या नाम है? रामकोट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बिगस की लाइक कर देना। क्यों रहे हो? अरे बोल, फ्रेम में तो सामने आना होता है। फ्रेम में तो आ जाओ, बोलना तेरे को सब आता है। गाइस 10 के लाइक्स कर देना। तेरे को आइसक्रीम बोल रहे हैं बिल्कुल भी। चलो नहीं रहा, लेट्स गो। हमारे छोटे छोटे हथियार दोस्त
मेरे दो दोस्त छोटे छोटे रास्ते तो यहीं पर है, घूमते घूमते जा रहे हैं हम लोग। दूनागिरी जाने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया वहाँ जाने का, इसलिए देखते हैं कल हो। गाइस ये बगवाली पोखर का, बगवाली पोखर का रामलीला ग्राउंड है। क्या हुआ विवांशी को? थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, इसलिए नहीं तो ये तो पैदल ही चलती। ये है बड़ी मम्मी का, इधर ये ऊपर छोटी मम्मी, छोटी मम्मी का दीदी। विवांशी और निक्की को तो भेज दिया है हमने स्कूटी से, अब चाची का नंबर है, एक एक करके सबको भेज देते। गाइस सामने दिख रहा है मंदिर उस पहाड़ी पे, और वहीं पर हमें जाना है। तो सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, ये देखिए सबकी दौड़ लगी हुई है क्योंकि ना यहाँ पर बाघ का डर है, इसलिए हमें देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट से जा रहे हैं। विवांशी लोग पीछे रुक गए हैं। सबको लग रहा है बहुत दूर है, हम 15 मिनट में पहुंच गए। सबको लग रहा था बहुत दूर है ये, आधे घंटे में पहुंचेंगे। वो परफेक्ट टाइम बता रहा, आधे घंटे में पहुंचेंगे। 4 बजे हम 4:30 हो रहा है। सांस फूल गई गाइस। ये तो यहाँ पहुंच गए, हमसे चला ही गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम नीचे जा रहे हैं गुफा में, जहाँ बाबा जी ने दर्शन वो ध्यान लगाया था, मतलब तपस्या की थी बाबा जी ने, तपस्या की थी। चलो हाँ चलो तपस्या करके आना, वापस मुरादें पूरी हो जाएंगी। बैठना थोड़ी देर, ध्यान लगाना। चलो जय हो भगवान जी। कौन से बाबा जी ने तपस्या की थी कुछ ऐसा, या फिर यहाँ पे तुम बाबा हुआ करते होंगे ना, है ना कुछ मौनी बाबा की, अब बाबू भी बनी है, आप उनसे पूछना ना। अच्छा अच्छा, तो वो तो लिखे रहते हैं। क्या वो यहाँ पे करी थी तपस्या? ये तो हवन हवन कभी बीच बीच में हो जाता होगा ना, सटा के फिर उन्होंने अपना छोटा सा कमरा बना लिया इसके अंदर। अच्छा गुफा, गुफा पीछे है, गुफा वो है बंद। अच्छा ये तो मंदिर, ये कमरा है, गुफा बंद है, गुफा पीछे। अच्छा तो गाइस ये एक कमरा है जहाँ पर तपस्या की जाती थी। दोस्तों ये गुफा का दरवाजा है जो आजकल लॉक है। इस पहाड़ी पे हनुमान जी की पेंटिंग बनाई हुई है, तो यहाँ पर से दिख नहीं रही है। सो गाइस वापसी हो गई है हमारी, हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। निक्की चाची लोग पहले ही पहुंच गए हैं क्योंकि हम लोग रील बना रहे थे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और शॉर्टकट रास्ता ये देखिए यहाँ से जा रहा है, मैच चल रहा है बॉयज का। डॉली को यहाँ 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज पहली बार ये रामकोट मंदिर में गई ना।
Yes. और पीछे जो फील्ड है ना वहाँ पर मेला लगता है। अरे क्या है? बाप रे, इसने दूर से देख लिया। पहुंच गए हैं हम घर पे और चाची लोग आए नहीं आए, देखते हैं अभी पहुंच गए होंगे। ऐसे तो हम पहुंच गए तुमसे पहले। अच्छा तो आप पहले पहुंच गए, हम उड़ के आए। तो गाइस चाची ने इतनी चढ़ाई चढ़ ली वहाँ और यहाँ पर मालिश करनी पड़ी है डॉली को। दौड़ दौड़ के और चढ़ रही थी दर्शन करने के लिए चाची पहाड़ों में। विवांशी ने दौड़ा दिया, कह रही है चाची। विवांशी आगे आगे, मम्मी और नानी पीछे पीछे। ये तो मना कर रहे थे तुम चले जाओ। अरे हमने कहा ना तुम जाओ कहा, मैंने कहा ये मान जाएगी। इसने लगा दी दौड़, मैंने कहा निकी जा छोड़ मत उसको, क्या पता कहाँ तक निकल जाए, भाग जाएगी। हम तो इनको छोड़ के भाग रहे थे ना, ये चढ़ नहीं पाएंगे करके, लेकिन विवांशी ने इनको दौड़ा दौड़ा के लाई पीछे से अपने। सही है, कितना अच्छा बीवी है, बहुत अच्छा है। वो खाने की तैयारी चल रही है और इधर ये देखिए पनीर भुर्जी बनाई है। ये मेरी बहना सेक रही है रोटियां, गरम गरम खा रही है उससे। ये देख रहे हो, वाह मजा आ गया। गरम गरम रोटियां हमको नसीब नहीं होती है ना, गृहणियों को नहीं तो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।